हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी बाइक में एक ऐसी एसेंशियल चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं जिसके ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती थी। तो और भी मेरे भाई जिन्होंने ऑफरोडिंग मॉडिफाइड बाइक बनाई है तो ये वीडियो उनके भी काम आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या वो चीज़ है जिसकी बारिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आज ही हमको डिलीवर हो चुका है पैकेज, उसके बाद उसे इंस्टॉल करते हैं। काहे का सामान है ये? गाड़ी का, अपनी डैड बाइक का। डट बाइक बनाएंगे अपने। अरे ये तो वो है, पेट्रोल का है ये, पेट्रोल का मडगार्ड मीटर का कवर। मीटर का कवर ये उठाओ मडगार्ड जी। तो ये है अपना मडगार्ड, इसको अपन को फिट करना है अपनी करिश्मा में। तो कैसे फिट करना है चलिए देखते हैं। क्या है, कीचड़ बहुत ज्यादा उचकती है ऊपर, जिस वजह से मैंने ये मंगाया है। तो इसको देखना पहले फिटिंग क्या आती है, क्योंकि इसकी फिटिंग पूरी डिफरेंट है। बाकी ट्राई करते हैं अपन। और ये मीटर का कवर है, ये लगा देंगे इससे हमारे बाइक का मीटर बिल्कुल न्यू हो जाएगा। चलो नीचे चलते हैं फिर। चले अब हम करेंगे काम, तुम मत आना नीचे, ठीक है? हम काम करेंगे ना। नहीं ये खाओ मत, खाते नहीं है फिर। खाएंगे। तुम मत आना, ये रुक, ये रुकना आप है, ठीक है? नहीं। क्यों? तुम काम नहीं करने देते। चल तो ये मडगार्ड अपन को फिट करना है अपनी बाइक में, क्योंकि जो डस्ट है ना काफी ज्यादा टैंक के नीचे तक चली जाती है। तो अब देखते हैं इसकी क्या जुगाड़ हो सकती है। सबसे पहले तो हमें काम करते हैं इसकी सीट पैनल और टैंक वगैरह निकाल लेते हैं, ताकि हमें जो फ्यूल का जो यूनिट लगाना है टैंक में वो लगा देते हैं सबसे पहले, और मीटर का केस चेंज कर देते हैं। ये दो काम करते हैं, उसके बाद देखेंगे मडगार्ड की क्या सेटिंग हमको करना है। चलिए फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ। ये इसका पुराना मीटर, अब हम इसको पूरा चेंज कर देंगे नए से, बस कवर निकाल के अंदर की मशीन वही लगा देंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है इम्पल्स। तो मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर देते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे करिश्मा लिख देते हैं, या फिर ये लिख देते हैं हम BPL बाइकर, क्या रहेगा बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ BPL बाइकर ही लिख देते हैं, क्योंकि करिश्मा का फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये वाला स्टिकर लगा देते हैं, ये वाला लगा देते हैं अपन अपने नाम का। बीच में घुसना जरूरी है तुम्हें क्यों? कुछ नहीं चाहिए।
चलो अब ये नीचे वाला केस और चेंज कर लेते हैं। चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, दूर 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 ही दूर, पीछे कस में, पीछे कस में। तो ये इसका न्यू वाला केस और इसके साथ ओरिंग वगैरह सब कुछ आई है, तो हम इसको फिट कर देते हैं इसमें और इसके बाद लगा देंगे इसके ऊपर का ग्लास। ये इसका न्यू ग्लास, स्टिकर वगैरह सब लगे हैं, बटन वटन सब लगे। चलिए इसको और फिट कर लेते हैं। तो ये हो चुका है अपना मीटर कंप्लीट। चलिए इसको गाड़ी में फिट कर लेते हैं और टैंक का फ्यूल यूनिट भी फिट कर लेते हैं। अभी हो गया बिल्कुल न्यू की तरह। अभी फ्यूल का भी हम टैंक के अंदर वो लगा देंगे इसका यूनिट, तो ये भी एकदम प्रॉपर काम करेगा इसके अंदर, क्योंकि करिश्मा वाला लगा हुआ था, अब हम प्रॉपर इम्पल्स वाला लगाएंगे इसमें, ये वाला, ये इम्पल्स का इसके टैंक में लग जाएगा, तो फ्यूल की बिल्कुल एक और दिया जाएगी। चलिए इसको और फिट कर देते हैं टैंक में, बाकी बॉडी जैसे हमने खोली थी पूरी बाइक की वापस फिट कर देते हैं। तो फिलहाल मडगार्ड में हमने एक होल तो ये आता था, एक होल यहाँ पे दूसरा कर लिया, इसमें लगा देते हैं हम ये वाली रबर। अब इसमें लगा देंगे हम ये, ताकि ये एक लिमिट तक ही टाइट हो। वैसे ही दूसरी तरफ लगा देंगे, यहाँ पे मैंने रबर लगा ही दिए, ये और लगा देते हैं। तो अभी तक ये दो फिटिंग हमने बना ली है, बाकी देखते हैं और क्या फिटिंग इसमें कर सकते हैं हम मडगार्ड में। तो इस दो लोग को लगा के फिट करके चेक करते हैं। अब देखो आप, ये अपन ने बनाई है इसकी फिटिंग, जो होल हमने यहाँ करा था ये वाले माउंट पे कस दिया इसको, और एक ये डिस्क पाइप पे जो माउंट था यहाँ पे पहले से, तो ये होल इसमें हमने करके यहाँ पे कस दिया। तो ये दो जगह से अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। ये वाला माउंट है, इसमें हम क्लैंप बना के इसमें लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। इन दो पे ही बहुत अच्छे से टाइट हो गया। फिर उस तरफ हमने क्या किया है वो बताता हूँ। यहाँ पर एक ये वाला माउंट, ये होल हमने बनाया था, ये यहाँ पे अच्छे से टाइट हो गया, और एक यहाँ पे बच रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे माउंट तो है नहीं है यहाँ पर, तो फिलहाल मैंने इस पर केबल टाई लगा दी है। बाद में इसका एक क्लैंप आता है, तो हम क्लैंप लगा के इस होल पे कस देंगे। तो ये दो जगह यहाँ से टाइट हो गया, दो जगह वहाँ से हो गया, बिल्कुल हिल नहीं रहा ये कहीं से भी। चाहें तो हम इस पर भी एक एल शेप का क्लैंप बना सकते हैं, बट खामोखा में ज़्यादा क्लैंप लगाना नहीं है मुझे, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। मकसद हमारा कीचड़ से बचना है, तो ये इसमें हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा खासा गैप भी है इसमें, कुछ ऐसा इसका लुक आ रहा है देखो आप। और एक चीज़, ये जो है अच्छा खासा यहाँ पे हाइट है इसकी, क्योंकि रिम जो है हमारा 18 इंच का है, तो जब हम इसको बड़ा लगाएंगे ना तो ये गैप कम हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं कुछ टाइम में, स्पोक व्हील लगाएंगे इसमें, और 18 की जगह हम या तो 19 या फिर 21 इंच का रिम लगाएंगे, तो ये गैप फिल हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, इसका ये डिस्टेंस जो है इसमें टकरा तो नहीं रहा, तो मैंने अच्छे से प्रेशर करके दबा के देख लिया है, तो काफ़ी गैप है यहाँ पे, तो इसमें दबेगा नहीं, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल इतना नहीं है अपनी बाइक का, और काफ़ी अच्छी जगह है इसमें, ये लग रहा है यहाँ से, लेकिन इसके अंदर भी गैप है ये देखो, तो ये इसमें टच नहीं हो रहा। तो ये हो गया बढ़िया काम अपना, किट वगैरह हमने पूरी फिट कर दी है, मडगार्ड भी लगा दिया, मीटर आपको मैंने दिखाई दिया था, एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो फ्यूल के दो डंडे आ रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी इसमें हमने करीब 3.5 लीटर के आसपास पेट्रोल है बाइक में, तो उस हिसाब से ठीक है ये, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग में।
चलो तो ठीक है, फिर हो गया आज का काम भी ख़त्म। अब इसमें हमारे स्पोक व्हील बचे हैं, बाकी सारा काम डन है। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया कम्प्लीटली। अब ये जो है यहाँ पर डबल फिटिंग हो चुकी है, बढ़िया। और मैंने चेक भी कर लिया इसको बारिश में चला के, पहले जब ये नहीं था तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ यहाँ तक इसमें कीचड़ आती थी, अंदर तक पूरे पेंट और शूज़ सब ख़राब हो जाते थे। तो अब इसको लगाने के बाद कीचड़ हमारी बच जाएगी। और यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है हमारी दो जगह, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी ज़्यादा। इसको हम चाहें तो काट भी सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से मडगार्ड भी कट कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए छोड़ दिया इसको कि अगर हम फोक चेंज करेंगे इसके एक्सपल्स वाले तो भी हमारे उसमें फिट हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो पॉइंट दिख रहा है, और चाहें तो हम इसे काट भी सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं समझी मैंने इसको। और रही बात, इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है अंदर तक, तो ये इसमें दबने के बाद टच नहीं होता, और टच हो भी जाएगा तो ये फ्लेक्सिबल है। तो कुछ इस तरीके की फिटिंग है इसकी। बाकी बाइक अभी गंदी है, इसको एक बार वॉश करा लेंगे। तो ये था कुछ इस तरीके की फिटिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।